अब जदयू के विधायक का बयान मैंने भी सुना है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है 6 महीने के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। इन दिनों बिहार की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में टकराव चल रही है, वहीं जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस संबंध में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश अगर एनडीए में दबाव में है तो महागठबंधन में उनका स्वागत है। महागठबंधन में वो संरक्षक के तौर पर रह सकते हैं और बिहार के विकास में अपने योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या कहा कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने, सुनिए। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। इसलिए उनके बात तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी इस बिहार के चुनाव में 19 लाख नौकरी देने की बात की है। मैं मंत्रिमंडल विस्तार का हम लोग पूरे महागठबंधन के कांग्रेस राजद सीपीआई माले इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो, और अगर वह काम नहीं करेगा, चाहे वो रोजगार देने की बात हो 19 लाख, या गरीबों को घर देने की बात हो, या शिक्षा में विकास की बात हो, या जो भी उन्होंने वादा किया, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सभी मिलकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, और उसके बाद सरकार अगर नहीं मानी हम लोग सड़क पर सब पार्टी उतर के पुरजोर आंदोलन करेंगे, जनता के साथ आंदोलन करेंगे, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पे सरकार का और हम लोग जो भी प्रतिनिधि है उसको खरा उतरना होगा। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, अगर नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री वहां उनको लगता है कि दबाव में काम नहीं कर पाए, आइए महागठबंधन में, आपका स्वागत है, हम लोग मिलजुल के बिहार का विकास करेंगे। महागठबंधन में आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी शर्त पर नीतीश कुमार को नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, उनका ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तेजस्वी जी, तो बनना तो हम लोग ने तय किया है, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री तय हुआ है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, नेता माने, इसलिए वो बनेंगे। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि माननीय नीतीश जी आएंगे तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे, वह आए एक संरक्षक के रूप में, हम लोग बिहार का विकास करें। मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना बहुत छोटी बात है, हम लोग जो जनता का वादा किए हैं वह पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है, वह हम लोग पूरा करें।